ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं उन खबरों पर चर्चा जिन पर दिन भर आपकी नजर रहेगी, आपकी जिज्ञासा रहेगी। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 12 दिन हड़ताल चली, 50 से ज्यादा मौतें हुई, डॉक्टर भी मान गए, सरकार भी मान गई, और अब इन दोनों की बातों को सुने, देखें, समझें तो अब सब कुछ ठीक है। जिनकी जान जानी थी वो चली गई, कौन जिम्मेदार? लोकतंत्र में हड़ताल करना एक अपना हक है, लेकिन उस हड़ताल को टालने की जिम्मेदारी और उस हड़ताल को हैंडल करने की जिम्मेदारी जिस तरीके से सरकार की होनी चाहिए, उस इस पूरे राजस्थान के डॉक्टरों के हड़ताल के मामले में राजस्थान की सरकार और चिकित्सा मंत्री खुद बुरी तरीके से विफल रहे। 50 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा, 50 लोगों से ज्यादा की, आप ये आंकड़े तो वो हैं जो ये सरकार दे रही है। आप जब जान जाने की अगर बात करेंगे तो 100 से ज्यादा जाने गई हैं, जब आपके सामने ये एवरेज है कि जिस अस्पताल में औसतन 9 से 10 मौतें होती है, अगर उस अस्पताल के अंदर 24 घंटे में 25-26 मौत हो गई तो आंकड़ा बहुत ज्यादा जाएगा। मैं आंकड़े पे नहीं जाता, नहीं मिला, लेकिन दिनों में जिनकी जिस तरीके से कल ये बड़ी बेशर्मी के साथ में सरकार ने और डॉक्टरों ने समझौता किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, क्या वो उन मरे हुए जो लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिलने के कारण उन लोगों की मौत हुई, क्या उन परिवारों के साथ में इस तरीके का बेहुदा मजाक नहीं है? ये शर्म आनी चाहिए थी सरकार को और चिकित्सकों को, समझौते के बाद में उन्होंने अपनी फोटो शाया करवाई कि इस तरीके से हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और जिनको आप जिम्मेदार समझौता आपने किया है सुरेश जी, जिनको चिकित्सा मंत्री हड़ताल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? वो उसी चिकित्सा मंत्री ने उसी डॉक्टर के हाथ से मिठाई खाई है और उनका तबादला भी एक तरीके से आदेश स्थानांतरण। आप ये सारा जो झगड़ा इस बात का था, सारा झगड़ा इस बात का था, चिकित्सा मंत्री इस बात पे अड़े हुए थे कि यह तबादला निरस्त नहीं करूंगा, कल समझौता होता है और सेवारत चिकित्सा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय चौधरी, उनका तबादला जो वो हिंडौन से शिकर कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको जब करनी थी तो आपने 50 से ज्यादा लोगों के मरने का इंतजार क्यों किया? तो सीधा सा सवाल इस सरकार पे आता है। तो ये व्यवस्था डॉक्टरों और सरकार के बीच में एक तरीके से उनकी निजी व्यवस्थाएं हैं, नहीं क्या? मरीज का कोई लेना देना नहीं, उसकी जान जाए तो जाए, उसका उसकी कोई जिम्मेदारी? ये तो जनता ने देखा है जनता ने, और कल जनता ने बेशर्मी भी देखी है कि जो समझौता कल सरकार ने किया वो समझौता सरकार आज से एक महीना पहले कर चुकी थी। और क्यों सरकार समझौते के मुख्य बिंदु, और क्यों? मैं दर्शकों को पढ़ के बता दूं, प्रशासनिक व विभागीय कार्रवाई को वापस लिया जाएगा, ये पहले भी हो सकता था, आरएएस अधिकारी को स्थानांतरित किया जाएगा, इसमें आप ये देखें आरएएस अधिकारी को वहां से हटाया, रेशमा के तहत इनकी मांग थी, मांग थी कि आरएएस अधिकारी को हटाया जाए, सरकार ने ये भड़काने वाली कार्रवाई की ना, उस अधिकारी को हटा के वहीं रख दिया। अब सरकार कह रही है कि नहीं, कार्मिक विभाग को कह के उसको चिकित्सा विभाग से बाहर करेंगे। ऐसे तो पहले क्यों नहीं किया के विरुद्ध कार्रवाई करे सरकार जो इस हड़ताल को हैंडल नहीं कर पाए? सरकार क्या, मैं ये कह रहा हूं कि जो 50 लोगों की मौत हुई है, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए इन लोगों पर, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है आपने डेमोक्रेसी को? चाहे डॉक्टर हैं चाहे सरकार, किसके लिए होता है मंत्री का सचिव? नहीं, किसके लिए होता मैं, है मैं खुला, ये लोगों ने देखा है कि खुला मंत्री की मिस हैंडलिंग की वजह से आज 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। जो चीज आप आज से महीने भर पहले कर सकते थे वो चीज आपने कल की, इसका स्पष्टीकरण दीजिए आप जनता के बीच में आके। इससे आप इंतजार कर रहे थे, नवंबर में जो हड़ताल हुई 33 से ज्यादा मौतें हुई और उसके बाद में आपने नरबलियां हैं सुरेश जी जो सरकार ने ली है, इसीलिए हमारी इसमें ओपिनियन हमारी है, हमारी राय है कि ऐसे कदमों पर, ऐसी सरकार की नाकामी पर इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है ये। अच्छा, इसके आप मंत्री हैं, जनता के बीच में, जनता के वोटों की वजह से हड़ताल के बीच में जो निजी अस्पताल हैं उनका रोल क्या रहा? वो सारी बातें अस्पताल और ये सारी चीजें बात आई गई हो गई। हम ये कहते हैं कि देर आया दुरुस्त है, आज से मैं डॉक्टर काम पे आए, लोगों को वापस इलाज मिले, लेकिन ये जो घाव जो है इस घाव पे मरहम लगना चाहिए। सुरेश जी, अभी 2 महीने पहले ही हड़ताल हुई थी ना, तब भी अपन ने यही बात कही थी, चलिए ठीक है, अंत भला तो सब भला, देर आए दुरुस्त आए। अब इस हड़ताल के बाद भी क्या सरकार ने इस हड़ताल से सरकार को सबक ले लेना चाहिए और संभल जाना चाहिए। आज जिस तरीके का मुझे जो लग रहा है कि कल जो आनंद फानंद में समझौता हुआ या 2 दिन से जो कोशिश हुई,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार पर ऊपर से अगर दबाव नहीं आया होता तो शायद सरकार जो है यह कोशिश भी नहीं करती। इस सरकार की नाकामी की और सरकार की संवेदनहीनता की हद यह है। तो सरकार ये कर कि एक साथ कल चार चार मंत्री पहुंचते हैं, एक साथ वहां पर सरकार के बड़े अफसर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। पहले आपने समझौते के लिए बुलाया तो उसमें रेजिडेंट्स नहीं बुलाए, कल वापस आपने रेजिडेंट्स को भी बुलाया, कल आपने अजय चौधरी को भी बुलाया और डॉक्टर्स को भी बुलाया, तो ये क्या है? क्या ऊपर से कोई डंडा पड़ा है आप पे जब जाके आपने वो समझौता किया है जो समझौता आप महीना भर पहले कर सकते थे? अब ये तो हो गई स्वास्थ्य सेवाओं की बात, जनता की जान जानी है जाती रहे, कल को फिर कोई और दूसरा महकमा हड़ताल पे आएगा, क्योंकि 50 महकमे हैं स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल के अंदर जो काम करते हैं, और स्थिति जो है सरकार की उसमें हर कोई इनको ब्लैकमेल करने के लिए उतारू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आइए हड़ताल करें। राजस्थान के गृहमंत्री का सर्वे राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि वो कैसे गृहमंत्री 4 साल में, और इस रायशुमारी में करीब 4,000 लोगों से बात की प्रदेश में, और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें निकल के आया। क्या आप अगले विधानसभा चुनाव में भी अपने लिए ऐसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे? 54% कह रहे हैं हाँ, 46% कह रहे हैं ना। ये मैंने सबसे पहले इसलिए पढ़ दिया क्योंकि गृहमंत्री के बारे में जो राय है वो क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने में वह सफल हो पाए। 36% कह रहे हैं हाँ, 63% कह रहे हैं ना, पूरे प्रदेश की जनता, और जो उनके उनके क्षेत्र की जनता है जहां से वो चुन के आते हैं विधायक, वहां भी यह आंकड़ा 35 और 65, 35% लोग कह रहे हैं हाँ, 65% लोग कह रहे हैं ना। अब ये रिपोर्ट कार्ड 35% का है। ये गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। गृहमंत्री के नाते उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए। एक इसमें और इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि क्या वो अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर की उन्होंने सोची, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप खुद वहां के लोग जो उदयपुर के लोग हैं वो मान रहे हैं कि नहीं, उन्होंने उदयपुर की ज्यादा सोची, उदयपुर के बाद कम सोची। आप अंदाज लगा ले, आप गृह मंत्री है, एक दुर्दांत अपराधी जिसने राजस्थान की पुलिस के राजस्थान के आम लोगों की नाक में दम कर रखा था, उसका एनकाउंटर होता है और ये वही गृह मंत्री हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका एनकाउंटर हो जाता है, खुद भी बताते हैं। और मुख्यमंत्री उनको जब फोन करके कहती है और वो बड़ी सहजता से इस चीज को स्वीकार करते हैं कि मुझे तो सीएम ने फोन करके कहा बधाई हो एनकाउंटर हो गया। मैं तो सो आप अंदाज लगा लें, उस वक्त गृह मंत्री सो रहे थे, नींद से उठा के अगर उनको यह कहा जाए तो आप स्थिति क्या? अच्छा, बयानबाजी में भी सबसे आगे है, क्योंकि देखिए सर्वे बता रहा है, जब पूछा गया प्रदेश की जनता से क्या वे काम की बजाय बयानबाजी ज्यादा करते नजर आते हैं, 58% लोगों ने कहा हाँ, 40% ने कहा नहीं। आप बयानबाजी भी आप ये देखें कि विधानसभा के अंदर हमने कवर किया है, हमने देखा भी है, तो पिछली सरकार में भी ऐसे ही बोलते रहे, लेकिन इस बार गुलाबचंद कटारिया का जो भाषा का स्तर है वो भी आज की मौजूदा राजनीति के अनुरूप वैसा ही नीचे आया है जैसा सभी नेताओं का आया। तो फिर बहुत संजीदा नेता गुलाबचंद कटारिया माने जाते थे। तो फिर हम जब इस जब प्रदेश, वो गौरव सिंह शेखावत सरकार में काबीना मंत्री थे, गृह मंत्री हैं ये, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, पद्मावती का आंदोलन हुआ, अभी शंभू रैगर के बाद जो हुआ उदयपुर में, जयपुर में रामगंज में जो उपद्रव हुआ, जोधपुर के हालात आपके सामने हैं, कोटा के हालात आपके सामने हैं, तो फिर जनता का कोई मायवाप है? जनता बता रही है ना, जनता बता रही है, वो सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। नहीं, कोई सरकार छोड़ के खुद कटारिया चिंतित नहीं? हाँ, सरकार ही यही है भाई। आज जिस तरीके से जो काम होना चाहिए, शांति और कानून व्यवस्था की आप बात करें तो ये दावे जरूर करते हैं कि अपराधों में कमी आई है, लेकिन इनके दावों पे जब ये दावा कर रहे होते हैं उसी वक्त राजधानी के अंदर दो चैन स्नैचिंग होती है, उसी वक्त राजधानी के अंदर एक अपहरण होता है। भारत से यदि कोई परिवार घूमने के लिए प्लान बनाता है तो सबसे पहले वो जयपुर को, राजस्थान को चुनता है, शांत प्रदेश। स्थिति यह है कि अब जो भी आ रहे हैं वो अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, जो उनके दोस्त यहाँ हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हम उदयपुर जाना चाहें तो वहाँ के हालात कैसे हैं, भाई हम जोधपुर जाना चाहें, भाई हम जयपुर आना चाहें। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में इतने सारी घटनाएं हुई हैं। चित्तौड़गढ़ में आप देखिए बंद रहा किला, इसके लिए आप
सारा कुछ आपने कह दिया है आपसे और आम जनता ने आईना दिखाई दिया है, तो अब ये समझने की बात है क्या हालात है। आप सरकार में रहे न रहे, ये प्रदेश रहेगा, इस प्रदेश में लोग हैं, उनका रोजगार है, वो शांति से जीवन जीते हैं। इस सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया, उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती कि प्रदेश की जिस तरीके से इस, चाहे काले कानून की आप बात कर लो, चाहे कानून व्यवस्था की आप बात कर लो, बढ़ते अपराधों की बात कर लो, पूरे देश के अंदर इस सरकार ने राजस्थान का नाक कटवाने का काम किया है। अब आप देखिए, एक खबर मैं आपके सामने और रख रहा हूं, बजरी खनन बहुत चर्चा में है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी है। मध्य प्रदेश में बजरी खनन को लेके कुछ ठोस काम हो रहा है, मगर राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो एनजीटी ने कहा, उसके बावजूद मामला वहीं के वहीं। आपको यदि आपके जेब में अथाह पैसा है, काला धन है, आप बजरी खरीद लीजिए, अभी भी मिल जाएगी आपको, और आप आम आदमी हैं, ईमानदार हैं, तो आप अपने मकान का निर्माण कार्य बंद करा दीजिए। सब है ही है बंद, रुके हुए पड़ा काम, लोग मिल कहा रही। एनजीटी की रोक के बाद, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद, ताज्जुब इस बात का है कि राजस्थान के अंदर 50 के आसपास लोगों का पूरा कब्जा बजरी पे, मनमाने दाम प्याज भी मिल रही है आपको। आप पैसा दीजिए 10,000 रुपए एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बजरी के आज के तारीख में, कहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना होने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि रोक कल परसों लगी है, इस सरकार के सामने सब कुछ हुआ है, अवैध खनन आज भी हो रहा है, लेकिन इस सरकार ने आज तक इसके बारे में कोई नीति नहीं बनाई। देखिए, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आपने लिया कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों को, निकायों को यह अधिकार दिया जाए, वो रॉयल्टी और उसकी रेट तय हो, आप उस तय पे जो दर जो नीति उन्होंने बनाई है, जनवरी 2018 से अस्तित्व में आएगी, 100 रुपए रॉयल्टी और 25 रुपए के हैंडलिंग चार्ज के साथ 125 रुपए प्रति घन मीटर की दर पर बजरी नदी पर ही मिलेगी। अब आप क्या माफिया का क्या हाल है, अभी बनास नदी पे एक बस गिरी, उसमें भी जो जानकारियां आ रही हैं कि वहां जो ट्रैफिक है, वहां सर्वाधिक जो सड़क पे अतिक्रमण है आने जाने वालों ट्रकों का, वो अवैध माफिया का ही है। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये बंबला पुलिया है, आज का हालात क्या है वहां भी, आपकी ये ट्रक और ये जो इस तरीके का ये बजरी माफिया के जो वाहन है, आए दिन दुर्घटनाएं वहां पे करते रहते हैं। सवाल ये है कि जब बजरी इतनी जरूरी है और आपके पास में इतना बड़ा एक तंत्र है, और आज 4 साल के अंदर आप बजरी को लेकर कोई नीति नहीं बना सके, और सिर्फ 50 लोगों के हाथ में पूरे प्रदेश की बजरी थी ना, नीति थी ना, 7.5 करोड़ जनता है इस प्रदेश की, उसके लिए 53 लोगों के हाथ में यह कारोबार था, यह नीति थी। अब इससे ज्यादा स्पष्ट नीति और क्या होगी। लेकिन अब भी जब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, एनजीटी का सख्त रवैया है, तो सरकार ने अब तक सोचा क्या है? अभी तक कोई इसमें कदम नहीं उठाया, आम आदमी को बजरी नहीं मिल रही, सरकारी परियोजनाएं जो है वो इसमें देरी हो रही है, उनकी लागत बढ़ रही है। अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो इस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस मुद्दे पे ना तो खान मंत्री का कोई बयान है, ना मुख्यमंत्री का कोई बयान है, ना सेक्रेटरियट में बैठे हुए खान सचिव ने इस बारे में कोई सोचा है। सुरेश जी, वक्त एक ब्रेक का है, खबरें बहुत सारी हैं, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खबरों पर चर्चा जारी है, कहीं मत जाइएगा।